जगह बहुत अच्छा है, तो फ्लैट बहुत अच्छा है। 1 आर की ये बोल रहे हैं, लेकिन है ये 1 BHK। आगे सामने आपको खुला जगह मिल गया, बालकनी टाइप। ये दरवाज़ा, इसको बंद करके खोलो तो एक बार ये दरवाज़े को, ये देखिए, ये है आपका 1 RK। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, काफ़ी दिनों से मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो कि 1 RK और 1 BHK फ्लैट का डिमांड कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। जैसा कि आप सबको पता है कि BTM लेआउट में और बेंगलोर में फ्लैट का काफ़ी क्राइसिस चल रहा है। ऑलमोस्ट बेंगलोर जो है वो हाउसफुल चल रहा है, यहाँ पे फ्लैट्स अवेलेबल नहीं मिलते। बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद हमें एक 1 RK मिला है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं, वो 1 RK दिखाते हैं कि कैसा है वो 1 RK और क्या क्या फैसिलिटीज़ है उसके अंदर। और दूसरी बात, हम ये भी देखेंगे उसके अंदर कि उसका डिपॉजिट कितना होने वाला है, उसका रेंट कितना होने वाला है, वो किस लोकेशन में है, वो सारा चीज़ हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। गर्मी भी बहुत है भाई, रोज़ा भी लग रहा है। चलते हैं, जल्दी से चल करके देखते हैं। अगर पसंद आएगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको भी नीड है, बेंगलोर आ रहे हो, आपको फ्लैट देखना है या फिर PG देखना है, तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। वहां आप डायरेक्टली हमें DM करो, हम आपको रिप्लाई देंगे। आपको जो भी नीड है, हम अगर उसको कवर कर सकते हैं, उसे हम अगर सॉल्व कर सकते हैं, तो ज़रूर से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली जो हम हेल्प कर पाते हैं वो फ्लैट में कर पाते हैं या फिर PG में कर पाते हैं या फिर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रहता है, कुछ जानना रहता है, कुछ गाइडेंस चाहिए होता है, तो उसमें हम हेल्प करते हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से आप हमें DM कीजिए। आपको कुछ भी नीड है, फ्लैट चाहिए, PG चाहिए, किसी भी लोकेशन में, अगर वहाँ पे अगर हम नहीं दिला भी सकते, फिर भी आपको हम ये तो बता सकते हैं कि वहाँ पे आपको कैसे इजीली मिल जाएगा। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं, 1 RK फ्लैट दिखाते हैं और सारा डिटेल पता करते हैं, कैसा है फ्लैट, क्या है डिपॉजिट और क्या है रेंट। तो गई भाई, क्या बात हुई है? फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, बस ये शीट वाला 1 RK। अच्छा, ऊपर शीट लगा हुआ, तब तो रेंट भी कम होगा। देखिए, ये है, रेंट कम है, शीट वाला एकदम ऊपर। चलो चलो, देखिए, घुसते ही पहले बाइक रखने के लिए इंतज़ाम है, साथ में कार पार्किंग भी है, और काफ़ी शांत, काफ़ी आलीशान, अच्छा मकान है, अच्छा बिल्डिंग है, हैवी। बिल्कुल छत पे आ गए हम लोग, और ये देखिए, एक लगा हुआ है। इसमें थोड़ा सा ये है कि शीट है ऊपर, लेकिन जगह बहुत अच्छा है, तो फ्लैट बहुत अच्छा है। 1 RK ये बोल रहे हैं, लेकिन है ये 1 BHK। आगे सामने आपको खुला जगह मिल गया, बालकनी टाइप। ये दरवाज़ा, इसको बंद करके खोलो तो एक बार ये दरवाज़े को, ये देखिए, ये है आपका 1 RK। ओपन करो, साथ में वेंटिलेशन है, और ये देखिए, बहुत ही क्लीन है। बड़ा सा हॉल है इसमें, और ओपन किचन, साथ में किचन के लिए अवेलेबल है, ये किचन है। और ये देखो, पूरा ओपन है, हवादार एकदम, साथ में अटैच वॉशरूम है, एक वॉश बेसिन दिया है, बड़ा सा वॉशरूम है, कमोड है, साथ में वेंटिलेशन भी अवेलेबल है, गीजर भी है। अरेंजमेंट अच्छा है, हाँ, बड़ा है, स्क्रीन है। अच्छा, स्क्रीन है, इसको बंद कर सकते हैं लगा के? ओके, यहाँ पे स्क्रीन भी अवेलेबल है, ये देखो ऊपर लगा हुआ है, उसको लगा के आप बंद कर सकते हो, और जब भी आपको लाइट चाहिए तो आप ओपन कर सकते हो। अब देखो, हम आपको रूम दिखा देते हैं इसका। ये इसका बेडरूम है, अच्छे साइज का, अच्छा, दादी से पूछना होगा, हिंदी आती है आपको? इसमें और भी फ्लैट अवेलेबल है क्या? ये देखो, ये लास्ट है। इसके बेडरूम में भी एक वेंटिलेशन है, फैन अवेलेबल है, लाइट है, बहुत खुला खुला सा है, पूरा लाइट, नेचुरल लाइट, नेचुरल एयर आ रहा है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो भी है, अब दादी से पूछना होगा आपके। प्रॉब्लम इसी से होगा, बस हीट होगा गर्मी में, गर्मी में थोड़ा हीट होगा, लेकिन आई थिंक जब यहाँ पे ये ऊपर है तो छत नहीं है, तो थोड़ा रेंट कम होगा, रेंट थोड़ा नहीं, अच्छा खासा कम होगा, देख लेते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा है, अच्छा, 6000 हो सकता है, दादी बढ़ा के बताएं अभी। तो इनके दादी से पूछना होगा हमें रेंट। ये लोकेशन है, बहुत अच्छा लोकेशन है, ये देखो,
इतनी बड़ी बड़ी आपको बिल्डिंग दिखती होगी, लेकिन कहीं भी फ्लैट खाली अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे किसी भी बिल्डिंग में फ्लैट खाली नहीं है। ये देखो इधर भी लोकेशन आपको दिखाता हूँ मैं। हम अभी हैं टॉप पे, फोर्थ फ्लोर पे। ये बाहर में भी एक कॉमन वॉशरूम है। एक बाहर में कॉमन वॉशरूम अवेलेबल है। चलो पूछते हैं इसका रेंट और डिपॉजिट क्या होने वाला है। अच्छा, कैन वी कुक चिकन नॉन वेज? ओके ओके। या इस चीज़ का प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारे घर में अलाउ करते हैं, बहुत सारे में नहीं करते। नहीं, बहुत कम ऐसा होता है जिसमें अलाउ नहीं करते, नॉर्मली अलाउ करते हैं जो भी रेंट पे लगा रहा है। तो दोस्तों, हमने आपको 1 BHK का फ्लैट दिखाया, बेसिकली 1 RK लिखा हुआ है। आधा शीट है, आधा छत बना हुआ है उसके अंदर, लेकिन वो गर्म बहुत है। प्लस उसके अगर रेंट की बात करें तो 7,500 उन्होंने रेंट बताया है उसका, और 30,000 डिपॉजिट बताया था। नेगोशिएट करने के बाद 7,000 में उन्होंने डन किया, जो कि मुझे थोड़ा कॉस्टली लग रहा है शीट वाले के हिसाब से। मुझे लगता है कि हाँ, बड़ा तो है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा है भाई, नेचुरल एयर, नेचुरल लाइट। नहीं, 6,000 काफ़ी था शीट वाले के हिसाब से, बिकॉज उसके अंदर गर्मी बहुत है, हॉट बहुत है वो, समझे, इसलिए लग नहीं रहा है। नहीं तो 7,000 में लग नहीं जाता अभी तक, आराम से लग जाता। हफ्ता भर हुआ है खाली, इतना जल्दी भी नहीं लग रहा। हफ्ता भर नहीं हुआ है, कई दिन से खाली है। तो दोस्तों, यही था वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब जाते हैं हम घर, क्योंकि भाई बहुत गर्मी लग रही है, धूप बहुत है और पसीना आने लग गया, रोज़ा भी है, अब टाइम हो रहा है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।